Hello everyone, I am Saket Bajpayee, Director of Praya's Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Mirodov. The question says, A body of mass capital M with a small disc of mass small m placed on it rests on a smooth horizontal plane. The disc is set in motion in the horizontal direction with velocity v. To what height relative to the initial level... डिस्क राइज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी कैपिटल एम द फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट तो देखिये बच्चो इस सवाल में क्या दिया है कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है कैपिटल एम है ना? और उसके ऊपर क्या रखा है एक स्मॉल डिस्क रखा है जिसका मास क्या है स्मॉल एम है ना? और सारे के सारे सर्फेसिस जो है वो कैसी है स्मूथ है ठीक ना? है नाउ द डिस्क इज सेट इन मोशन है ना इससे हम लोगों ने वी स्पीड प्रोवाइड करी इन द हॉरसोन्टल डायरेक्शन अब यह क्वाइट ऑब्वियस है कि ये डिस्क जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ना चालू होगा है ना तो हमसे पूछा गया टू वॉट हाइट रिलेटिव टू द द द इनिशियल लेवल विल डिस्क राइज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ ऑफ बॉडी बॉडी है 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 ना ना ये ये संभव है कि ये को है ना? ब्रेक कर जाए मतलब इससे कॉन्टैक्ट लूज कर जाए तो हमें बताना है कि उसके बाद ये कितना ऊपर जाएगा ठीक है तो देखिए बच्चों इस सवाल में होने क्या वाला है सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल स्मोल को मिली है राइट की तरफ वेलोसिटी भी ठीक है तो पहले तो ये जाएगा 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 अब एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इस पोजिशन में आ जाएगा कि इसके द्वारा लगाया जाने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कॉम्पोनेंट है ना राइट की तरफ भी आ जाएगा ऑन दिस कैपिटल एम तो जिस वजह से कैपिटल एम जो है राइट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि ये कैसे सिचुएशन आ जाएगी जब ये जो कैपिटल एम है ये है ना इस सेकेंड नंबर की सिचुएशन पे पहुंच जाएगा फ्रॉम दिस सिचुएशन नंबर वन है ना और उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये जो स्मॉल एम एम है ना ये इस कैपिटल एम के साथ ब्रेक ऑफ कर जाएगा इस मोमेंट पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों की जो वेलोसिटी है एक्स के अलॉन्ग कॉम्पोनेट की मैं बात कर रहा हूं तो उसको क्या होना पड़ेगा बिल्कुल सेम होना पड़ेगा और उस कॉम्पोनेट को मैं क्या कह दे रहा हूँ लेटर से वी एक्स कह दे रहा हूं लेकिन फर्क ये होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम में कि स्मॉल एम के पास एक एडिशनल वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ जिसको मैं क्या कह दे रहा हूं वी वाई कह दे रहा हूं जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब ये ब्रेक ऑफ करेगा है ना तो उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करेगा ये जो स्मॉल एम है ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा और बच्चों इस प्रोजेक्टाइल मोशन की एक और खासियत ये होगी कि आप देखिए कि कैपिटल एम की जो वेलोसिटी थी जब ये स्मॉल एम इसे ब्रेक ऑफ कर रहा था वो थी वी एक्स और स्मॉल एम की भी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी वी एक्स थी तो आप देखिए कि जितने देर में है ना स्मॉल एम जो है वो यहां पहुंचा होगा उतनी ही देर में ये कैपिटल एम भी जो है यहीं पर पहुंचा होगा तो वापस से पर दोबारा पहुंचने वाला ये एक एडिशनल चीज है जो मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि दोनों की X के वेलोसिटी सेम है तो हमेशा ये जो स्मॉल है वो कैपिटल एम के ठीक सेम पोजिशन के नीचे है ना पाया जाएगा मतलब स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों ऐसा लगेगा कि एक्स के लॉन्ग दोनों साथ साथ चल रहे हैं ठीक है तो देखिए बच्चों हमारा फोकस किस पॉइंट के लिए है हमारा फोकस इस पॉइंट के ऊपर है है ना तो हम लोग एक्चुअली क्या निकालना चाह रहे हैं ये हाइट एच निकालना चाह रहे हैं इस समय एक काम कर सकते हैं है है ना मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सिचुएशन वन में जो एनर्जी थी टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी थी हाफ स्मॉल एम इन टू बी स्क्र है ना? हमें पता ही है किसे लेना है ना इस हाइट को हमें रेफरेंस लेना है जीपी जीरो लेना है जिस वजह से हम लोग कह पा रहे हैं कि शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी थी ब्लॉक की वो कितनी थी जीरो थी ठीक है कैपिटल एम की पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज ही नहीं हो रही है इसीलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है तो हाफ एमबी स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर कैपिटल एम की पोटेंशियल एनर्जी को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो हाफ एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा अब जब आप सिचुएशन थ्री को देख रहे हैं है ना सिचुएशन थ्री में क्या हो रहा है ये मैंने आपको बताया था कि ये जो स्मॉल मास का ब्लॉक है ये वापस से यहां पर लैंड करने वाला है है ना ये हम लोग देख पा रहे हैं सिचुएशन थ्री में और सिचुएशन टू और थ्री के बीच में एक ऐसी पोजिशन आएगी जब ये ब्लॉक अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो हम लोग है ना इस इंटरमीडिएट केस के बारे में अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी तो पहले अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स का स्क्वायर क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों की ही है ना इस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी हो परिटी वी एक्स है और कैपिटल एम की तो हमेशा ही वेलोसिटी वी एक्स है ना इसके अलावा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की लिख देंगे वो कितनी हो जाएगी एम जी कैपिटल एच क्लियर ही बात तो देखिए यहां पर हमारे को क्या मिल गया यहां पर हमारे को मिल गया कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाने पर क्या इक्वेशन आएगी ठीक है अब देखिए बच्चों हमारे को ये वी एक्स निकालना जरूरी हो गया है है ना हमारे को ये वी एक्स निकालना पड़ेगा तो देखिए हम लोग वी एक्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं आइए देखते हैं कैसे तो देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर है ना कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स तो लग नहीं रहा है यहां पर सिस्टम मैंने कैसे लिया स्मॉल एम और कैपिटल एम को है ना तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर टल डायरेक्शन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं है, है? कि कितना स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इन टू वी एक्स है ना हॉरजोंटल डायरेक्शन में मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी एक्स क्योंकि इस मोमेंट पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम की वेलोसिटी एक्स एक्सिस लॉन्ग क्या रहनी है सेम रहनी है वो तो एक एडिशनल वेलोसिटी वी वाई आ चुकी है स्मॉल एम के पास ऊपर की तरफ जिससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है है ना तो हमारे पास देखिए सेकंड इक्वेशन आ गई जिससे हमें वी एक्स मिल जा रहा है ना और इस वी एक्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करके अब एच निकालने वाले हैं ठीक है तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ स्मॉल एम वी स्क्वे टू हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एम वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है ना तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस एम जी एच क्लियर ये बात तो देखते हैं यहां से फर्दर क्या आ जाता है सिंप्लीफाई करके है ना तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि एम जी एच की वैल्यू कितनी आ जा रही है हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर माइनस हाफ अब देखिए यहां पर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है ना डेनोमिनेटर में स्क्वायर में है और न्यूमिनेटर में एक है तो ये क्या बच जाएगा सिर्फ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बच जाएगा और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्लियर है ये बात अब एक m जो है देखिए यहां पर हर जगह से कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है है ना तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर हम लोग वन बाय टू जी और वी स्क्वायर इसे कॉमन ले सकते हैं ना तो यहां पर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी कॉमन आ गया ये बन गया वन माइनस यहां पर आ जाएगा एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम क्लियर है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो एच की वैल्यू आ जा रही है वी स्क्वायर अपॉन टू जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम होल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम क्लियर है तो स्मॉल एम तो देखिए यहां पर कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई वी अपॉन टू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्लियर है तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय